तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें परचेज ऑर्डर जो है हमारा किस तरीके से हमें ड्रॉप करना है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लेफ्ट साइड जो मेन्यू है उसके अंदर हम परचेज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी के अंदर आप देखेंगे परचेज ऑर्डर, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। परचेज ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो ये बटन है सबसे ऊपर, इसका क्रिएट न्यू, यहाँ आप क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑर्डर डेट और ऑर्डर नंबर ये बाय डिफॉल्ट ये उठाता है। अब अगर आपको कोई बाइक ऑर्डर करना है तो आपको बाइक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप मॉडल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप बैटरी वेरिएंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप उस मॉडल की क्वांटिटीज डालेंगे और ऐड कर देंगे। इसके बाद अगर आपको स्पेयर पार्ट ऑर्डर करना है तो आपको, और बाइक ऑर्डर करने में यहाँ पे ऑर्डर जो बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये ऑर्डर जो है आपका आपके एंड से हमारे एंड तक आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। स्पेयर पार्ट का अगर आपको ऑर्डर देना है तो आपको यहाँ पे स्पेयर पार्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको किस कलर वाइज किस व्हीकल का आप स्पेयर पार्ट ऑर्डर कर रहे हो तो आपको वो व्हीकल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स की आइटम सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे उनकी क्वांटिटी, और यहाँ से आपको सेम प्रोसीजर ऐड करने के बाद आपको ऑर्डर बटन जो है वो प्रेस करना है, तो जिससे आपका ऑर्डर जो है वो एडमिन तक आ जाएगा। थैंक यू।